हेलो दोस्तों, मेरा नया वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम बताने जा रहे हैं आप सभी को, जैसे जो पहले 40-19 था वो कैसा दिख रहा है, ये 40-20 हो गया है। जो पहले 40-19 था, अब 40-20 BS6 में अभी भी है। 55-23 की तरह दिखता है, 55-25 जो आया है वो 6 चक्का में, 40-19 भी 6 चक्का में ही है। 25 एस सीरीज इंजन में भी है, एन सीरीज इंजन में भी है, और ये 40-20 जो है ये भी एच सीरीज इंजन में ही है। चलिए इसका व्यू भी दिखाते हैं कैसा दिख रहा है, ये जैसे यू केविन के साथ ही है। लोगो भी है, मस्त दिख रहा है, जैसे कि और गाड़ियों में यू केबिन में आ रही है, सेम है। पीछे और गाड़ियों में क्या है कि ये फ्रंट बम्पर, ये जो दिख रहा है ये बम्पर जो है FUPD वो नहीं आ रहा है, इसमें दिया हुआ है। साइड भी दिखाते हैं तो दिखता है, लोगो मिल जाता है। इस पे पहले आता था 40-19, अब 40-20 हो गया, 200 हॉर्स पावर का इंजन हो चुका है। ये इसका अंदर का व्यू भी चलो दिखाते हैं आपको कैसा दिख रहा है। ये स्टीयरिंग व्हील भी चेंज है, जो पहले आता था वो बड़ा वाला स्टीयरिंग व्हील आता था, इसमें ये स्टीयरिंग व्हील भी छोटा कर दिया है, स्टीयरिंग व्हील छोटा है। एक स्लीपर का भी जगह है, सिंगल स्लीपर है, इसमें स्लीपर का जगह बना हुआ है। इसके नीचे टूल बॉक्स भी है, यहाँ से पिन खींच के बॉक्स भी दिया हुआ है शानदार, जो कि दिख रहा है पीछे से। ये ग्लास है जिस तरीके का दिया है, बॉक्स भी है। बात कर रहे थे इसका, वो सब जो 49-23 जो पहले आता था वो 55-23 हो गया। उसमें जो है ये गियर देता है 9 स्पीड, एन सीरीज इंजन और एच सीरीज दोनों के साथ उपलब्ध है। तो ये है यू केबिन भी है, एन केबिन भी है, और इसमें ये यू केबिन है और इसमें 6 स्पीड गियर के साथ, जैसे पहले आता था वैसे ही है, 6 स्पीड गियर है, CSO केबल के साथ है। और इंजन एस सीरीज ही है, दूसरे साइड से जाता हूँ। स्टेपनी यहाँ रहता है, बाद में वो टेलर में नीचे चला जाता है। 48 लीटर एडमू टैंक के साथ है, बोनियर क्राउन इसका ये है, बोनियर में ये एयर फिल्टर भी आता है एड ब्लू का। फ्यूल टैंक जो भी बड़े गाड़ी में आता है सब में उतना ही है, इसका भी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 24 वोल्ट में है, जो पहले था सब सेम है, सिर्फ हॉर्स पावर बढ़ गया है और इंजन का पावर बढ़ा दिया गया है। बहुत सारा चेंजिंग भी है,
नक्शा तो चेंज होगा ही। इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।